प्रथम पहल का न्यूज। बल्लभगढ़ विधानसभा में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। वहीं इस कड़ी में अब बुधवार को बल्लभगढ़ के वार्ड नंबर 4 में भी 1,20,00,000 रुपए की लागत से डलने वाली पीने के पानी की पाइपलाइन का काम शुरू करवाया गया। इसकी शुरुआत परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के भाई टिपरचंद शर्मा ने करवाई। इस दौरान उनका लोगों और कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। उम्मीद है कि अब जल्द ही 40% जनसंख्या को पीने का मीठा पानी मिल जाएगा। सीवर लाइन और गलियों को पक्का कराने का काम शुरू हो गया है। वहीं उन्होंने कॉलोनी वासियों की समस्याओं को सुनकर उसे हल कराने का भरोसा दिलाया। हमारे बल्लभगढ़ की विधानसभा का कम से कम 40-45% ऐसा यहाँ रहता है और पानी की बहुत कमी थी। 1,10,00,000 का करीब करीब 1,20,00,000 हो जाएगा पानी की पाइपलाइन का और डिस्पोजल की मेंटेनेंस का, जो काफ़ी पुराना लंबित पड़ा था। आज मनोहर मोदी और हमारे मूलचंद शर्मा जी मंत्री जी और हमारे पार्षद यहाँ के, मेरी बहन शीतल खटाना, मेरे धर्मवीर खटाना जी, इनके सबके अथक प्रयासों से ये पानी का जो काम हो रहा है, एक बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी हमारे क्षेत्र के लोगों को। ऐसा है, इसका जो पानी के लाइन का हमारा काम है लगभग 70-80,00,000 का काम उसका है। 40,00,000 1,20,00,000 करके हमारा जो बूस्टिंग का जो डेवलपमेंट का काम है उसका रेनोवेशन का काम है जी। मशीनरी लगाएंगे इसमें से, पाइपलाइन भी चाहेंगे, वो काम लगभग हमारा आने वाले 3-4 महीने में कम्प्लीट कर लेते हैं। जहाँ जहाँ समस्या हमारी आ रही थी उसके निवारण करेंगे। ये अपने मंत्री जी, अपना मूलचंद शर्मा जी और उनके प्रयासों से सारा, इन्होंने जो पार्षद जी हमारे धर्मवीर खटाना जी हैं, तो इनके प्रयासों से सारा काम कंप्लीट हो पाया है, चल पाया है। ये इन्होंने पर्सनल पेन लेकर, कटाना साहब ने पर्सनल पेन लेकर बहुत सारी फाइलें ऐसी थी जो अटकी पड़ी थी, इन्होंने वहाँ से पास कराया, कमिश्नर साहब को परसों करके फॉलो किए और वो आज वो दिन आ गया जिसका शुभारंभ कर दिया हमने आज। प्रथम तहलका के लिए बल्लभगढ़ से सुनील चौधरी की रिपोर्ट।